आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? तो हमने पहले काफी एक्टिविटी देखी है एंड काफी एग्जांपल देखे हैं जिसमें हमारा पीपीटी फॉर्म होता है ऐसा प्रोडक्ट। तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, यू हैव टू राइट वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन और ड्यूरिंग रिएक्शन, बाय द रिएक्शन और ड्यूरिंग रिएक्शन डज नॉट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एंड सेटल एट द बेस और सरफेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है, क्या है? वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन और ड्यूरिंग रिएक्शन डज नॉट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एंड सेटल ऑन द सरफेस ऑफ अ कंटेनर और यू कैन से बेस ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब क्या है कि एक जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो क्या है, डिजॉल्व नहीं होता है रिमेनिंग सॉल्यूशन से और वो नीचे बेस के ऊपर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल क्रिस्टल्स और यू कैन से ग्रैन्यूल्स और यू कैन से सॉलिड पीसेस। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3, इट्स अ एक्वस। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड इट्स आल्सो एक्वस, दोनों को मिक्स करना है तो क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर क्लोराइड। ये प्रोडक्ट बन रहे हैं सिल्वर क्लोराइड, इट्स अ पीपीटी, दैट इज योर परसिपिटेट। ठीक है, ये कैसे कलर में होगा, इट इज इन व्हाइट इन कलर, छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे सिल्वर क्लोराइड के एंड क्या होगा आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इट्स अ एक्वस। ठीक है, तो इसमें जो प्रेसिपिटेट बना हमारा व्हाइट कलर का, दैट इज AgCl2, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है,